ओके हेलो दोस्तों, एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है, जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स क्या, ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूँ उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार, और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा यार, मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी, और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी। यार क्या हुआ है कि एक बच्ची, छोटी सी गुंजन, गुवाहाटी से आई थी, और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई है, बाकी हॉबीज बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला, मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है ये, मतलब चाइनीज मतलब जिब्रिश में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड से ही हमने पूछा था कि आपका क्या टैलेंट है, वो बोलती कि मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, और हम लोग सब हंसते थे कि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ के समुन्द्र में जा सकती हूँ। उसने बोला ना, चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरा टैलेंट है, और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी। वाह, सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका, वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है, ऐसे करके हम उसे बोलते थे। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया, क्योंकि उसका वो क्रिएटिव चलता आ रहा था सारे एपिसोड्स में। अगर आप सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको एक क्लिपिंग में मुझे रेसिस्ट नहीं बोलेंगे। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ नॉर्थ ईस्ट से यार, मेरी फैमिली रहती है, आई हैव माई फैमिली इन सिक्किम, आई हैव माई फैमिली इन अरुणाचल प्रदेश, आई हैव फ्रेंड्स इन नागालैंड, और ऐसे नहीं खास दोस्त यार जिनके साथ पला बड़ा हूं मैं, यू नो मैं बोर्डिंग स्कूल में था ना, आई हैव, और मैं एक आदमी हूं जो हर चीज को पॉलिटिकली करेक्ट करके दिखाता हूँ, या फिर बताता हूँ, या कोशिश करता हूँ कि मैं स्टैंड लूँ जो भी इनजस्टिस हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है। बल्कि उस वजह से मुझे गालियां भी पड़ती है कभी कभी कि मैं स्टैंड ले रहा हूं किसी के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, कल्चर के लिए, क्रीड के लिए। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार, मेरा या वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। और कोई भी क्लिपिंग को वायरल करके उस पे जज करने से पहले प्लीज, मैं चाह रहा हूं आप लोग सब एक बार पूरा एपिसोड्स देखो कि क्या चलता आ रहा है उस बच्ची के साथ, क्या स्टोरी चलती आ रही है उसके साथ। उसको हमने पहले पूछा है, भाई व्हाट इज योर टैलेंट, उसने कहा मैं चाइनीज से बात कर सकती हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट के बंदों से बात कर सकती हूँ, ये सब बच्चे बोलते ही हैं, डे ड्रीम। अब मेरा काम है वहां पर, जो क्रिएटिव्स ने डिसाइड किया है उसके बाद मैं करता हूँ। बहुत जनरली कम होता है कि मैं स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं स्क्रिप्ट फॉलो करके बिना शो करता हूँ। पहली बार मैंने उनको बोला कि इस बच्ची को ऐसे करके बुलाना है, क्योंकि शुरू से वो बच्ची अलग अलग भाषा में, चाइनीज में, कभी जिब्रिश चाइनीज में बोलती आ रही है, उसे उस तरीके से बुलाओ। एंड आई तो प्लीज, मैं चाहूंगा आप लोग यार देखें, पूरा एपिसोड्स देखें, तब जाके आप मुझे रेसिस्ट या जो भी गाली देनी है, इंटरनेट खाली है, दे सकते हैं आप भी खाली हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच।